हेलो एंड अगेन रेडी विद द वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। इस वीडियो में हम सीखेंगे हाउ टू मेक ट्रायल बैलेंस, टी आर आई ए एल बी ए एल ए एन सी ई। समझो, ट्रायल बैलेंस के लिए एक मार्क का क्वेश्चन, अगर एग्जाम पॉइंट देखो तो ट्रायल बैलेंस डज नॉट गारंटी योर अकाउंट्स आर करेक्ट। क्यों? लोगों के दिमाग में मिसकंसेप्शन है कि ट्रायल बैलेंस मतलब अकाउंट्स मेरा पूरा सही है। नो, ट्रायल बैलेंस ओनली चेक्स मैथमेटिकल एक्यूरेसी, और कुछ भी ट्रायल बैलेंस चेक नहीं कर रहा है। मैथमेटिकली मेरा अकाउंट ठीक है नहीं, वो ट्रायल बैलेंस चेक करता है और ट्रायल बैलेंस और कुछ भी पता नहीं चलता है। सो अंडरस्टैंड दिस, क्यों कई बार इवन टीचर्स स्टूडेंट्स कई बार ये बोलते हैं ट्रायल बैलेंस टैली हो गया मतलब सब कुछ टैली हो गया। नहीं, इवन यहाँ पे एक बहुत राज की बात बोलूं, ये सबसे बड़ी डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग जो अकाउंटिंग हम सीख रहे हैं उसके लिमिटेशन है। सबके दिमाग में ये फिट रहता है कि अगर दोनों साइड टैली हो गई मतलब सब कुछ हो गया काम। अगर आपको जानना एक्चुअली इसमें कैसे होता है तो मेरा पूरा कोर्स है अकाउंटिंग फॉर बिगिनर्स, जिसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, उसको क्लिक कीजिए, ज्वाइन कीजिए। उसमें डेफिनेटली आपको रियल लाइफ में अकाउंटिंग कहां काम लगता है, उस तरह की ये जो मैंने वीडियो उस तरह की चीजें डिटेल में आप अकाउंट सीख भी पाएंगे और कॉन्सेप्चुअल भी क्लियर हो पाएंगे। इसको आगे समझते हैं करना क्या है। क्यों ऐसा है? हम हर चीज की दो एंट्री करते हैं, एक क्या करते हैं डेबिट और दूसरा क्या करते हैं क्रेडिट। एवरीबॉडी अग्रीज, अगर आपको बेसिक अकाउंट में एक डेबिट करते हैं क्रेडिट करते हैं। अब समझो मेरे को कुछ अकाउंट्स का अता पता ही नहीं है, मैंने जो चीजें डेबिट करनी थी क्रेडिट कर दी, क्रेडिट करना उसको डेबिट कर दिया, किया बहुत अच्छे से। बोलो मेरा ट्रायल बैलेंस टैली होगा कि नहीं होगा, मेरी बैलेंस शीट टैली होगी कि नहीं होगी? सब टैली होगा लेकिन सब गड़बड़ झाला है। ये एक 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 लाइन में आप समझ जाओगे, और हर टॉपिक के अंदर इतने कोर कॉन्सेप्ट के साथ जब मैं पूरा कोर्स सिखाता हूं, सिर्फ अकाउंटिंग रिकॉर्ड करना ही सिखाता हूं, उसके कोर कॉन्सेप्ट भी इस लेवल तक मैं सिखाता हूं जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो समझिए इसको। सो ट्रायल बैलेंस ओनली चेक्स मैथमेटिकल एक्यूरेसी, नॉट द प्रॉपर एक्यूरेसी। लेकिन ट्रायल बैलेंस बनाना क्यों है? तो फिर नॉर्मली ये माना जाता है, क्यों ये कहां से आया कि ट्रायल बैलेंस टैली मतलब सब कुछ टैली, कहां से आया? क्यों ट्रायल बैलेंस टैली हो गया तो नॉर्मली भी मान के चलते हैं जो अकाउंट लिखेगा वो इस तरह से दिमाग से पैदल आदमी तो नहीं होगा, एटलीस्ट उसको डेबिट क्रेडिट का नॉलेज होगा, अकाउंटिंग आता होगा, तो ही वो ट्रायल बैलेंस तक पहुंचेगा। इसलिए मिसकंसेप्शन बन गया कि ट्रायल बैलेंस टैली मतलब सब टैली हो गया। कई बार गलती से भी ऐसा हो सकता है, मैं सब कुछ अकाउंट जानता हूं लेकिन मुझे कुछ डेबिट करना था मैंने क्रेडिट कर दिया, क्रेडिट करना था डेबिट कर दिया, और हो सकता है ट्रायल बैलेंस मिसमैच हो जाए। कई बार ये भी हो सकता है मैं कुछ कैलकुलेशन एरर कर दूं, कुछ एरर कर दूं जिसकी वजह से भी ट्रायल बैलेंस मिसमैच हो सकता है, या फिर एक गलती करूं उसको छुपाने के लिए दूसरी गलती कर दूं तो भी ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा। सो ये भी पूरा एक रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर अलग सा चैप्टर रहता है, उसमें हम उसको अलग से समझते, बट बेसिकली इस वीडियो में आपको यही समझना है कि ट्रायल बैलेंस टैली डज नॉट गारंटी योर अकाउंट्स आर करेक्ट, इट ओनली गारंटीज your accounts are mathematically correct. That's it. Thank you.